गैंगस्टर केस में मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा, 5 लाख जुर्माना भी लगा। चांद की सतह पर लैंडर विक्रम ने रखा कदम, 108.4 वर्ग फुटर में फैल गई 2 टन लूनर मिट्टी। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण को लेकर 2 और लोगों ने कर ली आत्महत्या, अब तक मराठा इलाके में 6 लोगों ने किया सुसाइड। इंटरपोल ने हरियाणा के योगेश कादियान के खिलाफ जारी किया रेड कॉर्नर नोटिस, महज 19 साल का है गैंगस्टर। 1 नवंबर से हरियाणा, राजस्थान और यूपी की ईवी सीएनजी या BS6 डीजल इंजन से चलने वाली बसें ही दिल्ली की सीमा में करेगी प्रवेश, ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने दिया आदेश। स्वास्थ्य मंत्री के गृह जिला गोपालगंज के सदर अस्पताल में 2 दिनों से सर रहा 4 शव, बदबू से मरीज परेशान। ईशा आकाश और अनंत अंबानी होंगे रिलायंस बोर्ड में शामिल, 90% शेयर धारकों की तरफ से मिली हरी झंडी। लखनऊ में 29 अक्टूबर के वर्ल्ड कप के मैच को देखते हुए कम की गई परीक्षा केंद्रों की संख्या। 6 दिनों के बाद शेयर बाजार में लौटी रौनक, बैंकिंग IT स्टॉक्स में खरीदारी के चलते शानदार तेजी के साथ बंद हुआ भारतीय शेयर बाजार।